जय माता दी भाइयों, हर हर महादेव। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ। मैं गुरुजी से कम से कम 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मतलब मैं जिस टाइम पे गुरुजी से जुड़ा वो समझ लो मेरा आखिरी स्टेज था। मेरे को मतलब बहुत प्रॉब्लम थी लाइफ में, सब जगह से टूट जा, मतलब सब लोग भटकते अपनी लाइफ में, मैं भी एक भटकता इंसान था। फिर मेरे को माता ने, महादेव ने रास्ता दिखाया, मैं मेरे गुरु से मिला, फिर उन्होंने मेरा तंत्र काट के मेरे को एक नया जीवन प्रदान किया। और मैं जब गुरु जी स्टार्टिंग में जुड़ा था तब गुरु जी की इतनी फीस भी नहीं थी। उन्होंने मतलब 2100-2100 में काम करते थे, उतनी मेहनत कर करके उन्होंने ये जगह लेके काम, मतलब ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं हमारे गुरु। मतलब इनको ऐसे बदनाम मत करे कि ये लूटते वैसे करते, इनको पैसे का कोई मोह माया नहीं है, ये बस माता का एक मंदिर बनाना चाहते, वही उनका सपना है। और जो भी लोग इनके नाम से फ्रॉड करते फेसबुक पे, मैं उनको मतलब बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरी जगह लुटा जाते और मेरा गुरु बदनाम हो जाता है, वो आप कृपया मत करिए। आप अपना अकाउंट नंबर, वो सब गुरु जी के नीचे वीडियो में दिया होता है, उसी में पेमेंट करें, फिर दूसरी जगह लुटा के मेरा गुरु बदनाम होता है, आप कृपया करके वो ना करें। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को मतलब नाम सुन के मत जज करो उनको, पहले आप जुड़े फिर उनसे, फिर जाने उनको कि क्या रहता है इनमें। अगर आपका दिल सच्चा है तो माता महादेव आपको खुद लेके आएंगे इधर। आप प्रॉब्लम्स में हो तो आपका रास्ता धीरे धीरे निकलेगा, कि जो भी आपका कार्य रहेगा आप इधर आओगे तो आपका कार्य किया जाएगा। लेकिन कृपया मैं एक ही मेहरबानी करना चाहूँगा, किसी मतलब जो भी नए लोग जुड़ते हो, कृपया मतलब इनके नाम से मतलब बदनाम ना करें इनको। और जो भी मतलब इनके नाम पे वो अफवाह उड़ी हुई है वो सब फेक है। आप पहले अपने आप को जुड़े, इनसे बात करें, फिर जाने के क्या सत्य है, फिर क्या गलत है। जय माता।